जय श्री राम। दोस्तों, आप जानते हैं हनुमान चालीसा में व्यक्ति के सब कष्ट, समस्याएं, विपत्ति दूर हो जाते हैं। आपका हमारे चैनल वासुदेव दर्शन में मैं राजगोड आपका स्वागत करता हूं। चलो वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं हनुमान चालीसा की रचना किसने की थी? यह भी एक बड़े राम भक्त हुए, तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने श्री राम प्रभु के दर्शन की अभिलाषा थी। वह जानते थे कि हनुमान जी ही श्री राम प्रभु के दर्शन करवा सकते हैं। उन्होंने हनुमान जी की हनुमान चालीसा की रचना की थी। हनुमान चालीसा बहुत शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण है। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़े उसके बेड़ा पार हो जाते हैं। इस कलयुग में हनुमान चालीसा रामबाण है। अब हम आपको इसके लाभ बताते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं शिव का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी है। जैसे भोलेनाथ थोड़ी सी प्रयास पर खुश हो जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी खुश हो जाते हैं। व्यक्ति को नित्य क्रम से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसे भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जिस व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था और व्यापार सही नहीं चल रहा है, उसे हनुमान चालीसा का पाठ करना अति आवश्यक है। दोस्तों, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जान की माता। इस चौपाई का अर्थ कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता थे। अश्वर दीन जान की माता, यह वरदान माता सीता जी ने दिया था। जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता की कृपा होती है। यदि जीवन में कभी आपको भय लगता है या कोई आपको लगे कि वह व्यक्ति आपका अहित कर सकता है, तो हनुमान चालीसा करें, जिसमें लिखा है, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस व्यक्ति का भय दूर होगा और उसका कोई अहित नहीं करेगा। और एक पंक्ति में लिखा है, बल बुद्धि के दाता हनुमान जी, बल बुद्धि के दाता हैं। हरेव कलेश विकार, मेरे सारे कलेश का नाश करो। जिस व्यक्ति को रात में बुरे सपने सताते हो और नींद नहीं आती हो, वह नींद की गोली खाता हो, उस व्यक्ति को सोने से पहले रात्रि में नहाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसे करने से उसका भय दूर होगा और अच्छी नींद आने लगेगी। बच्चों को हनुमान चालीसा करनी चाहिए, उससे उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने लगेगी। हनुमान चालीसा को शुरू मंगलवार के दिन करना चाहिए। सब संकट दुखों से दूर हो जाएंगे, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। दोस्तों, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक मिलती रहे।